एक छोटा सा पोपट हो गया फिलहाल अपने साथ, 150 किलोमीटर साथ चला लिया हम लोग, हम लोग सिर्फ हम सॉरी। अच्छी का एक प्रॉब्लम जो मुझे लगा वो है कि पीछे बैठ, इसको देख के तुमको गोल बांध वाला याद आ रहा है, लगता है बर्फ पड़ने वाला, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। तो फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा है, शॉर्टकट में अगर बता दिया जाए तो आज हम लोग फिलहाल जा रहे हैं हुंडरू फॉल, और हम फिलहाल जहाँ पे रुके यानी शुभम के घर पे, तो वहाँ से हुंडरू फॉल आपका नियर अबाउट 70 किलोमीटर है। तो हाईवे का कुछ सीन ऐसा, एंड 70 किलोमीटर चलाना बड़ा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं हूँ चश्मिस, ठीक है, और ऐसा चश्मिस जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, होने प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो ना, मैं फॉग की वजह से ना कंटिन्यू मतलब से चश्मे में ना फॉग जम जा रहा है, बारिश की वजह से मतलब हल्का धीमा धीमा जो हो रहा है, ठंड तो बहुत है, मतलब लाइक हाथ से सूज सा गया है, चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एंड उसमें फिर ऐसा फॉग का सामना करना चश्मा के साथ, डैम डिफिकल्ट, कुछ ऐसा सीन है। फिलहाल हाईवे के कहीं बीचों बीच कहीं रुके हैं, चाय पीने के लिए, तो चाय पीते अपने गर्म करते हैं, और न्यूज बैग्स लिए हैं, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, शूट करें कि नहीं कर रहे हैं, नहीं भी कर रहा हूँ तो हाँ ही बोलना, ठीक है। अनप्लान करके मजा आ रहा है। देख रहे हो, अगर कुछ भी आपको दिख रहा है तो बता दो, कुछ भी अगर दिख रहा है तो, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर से मैं फॉगी ग्लास भाई साहब बहुत परेशान कर दिया, बट और ठंड इतना है कि जैकेट के अंदर मतलब बहुत कुछ पहन के चल रहे, हाथ जम गया, ग्लव्स छोड़ के ग्लव्स नहीं अपने पास, पांव सब जम चुका है, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के लिए उतरे हैं बस, यहाँ से और हार्डली 10 किलोमीटर होगा, काफी राना सा है। एक छोटा सा पोपट हो गया फिलहाल अपने साथ, ये इतना दूर इसको के चला के तो आए, बहुत बड़ा पोपट हुआ, दिखा रहे दिखा रहे, तो चाय भी पी ले रहे फिलहाल। ये तो हुंडरू फॉल का वेलकम गेट है और ये एंडिंग गेट है, ये वेलकम गेट और ये एंडिंग गेट, यहीं पे समाप्त होता है, टिकट काउंटर था बट सब यहीं पे समाप्त हो गया, और ड्यू टू कोरोना अभी फिलहाल हुंडरू फॉल बंद है, मूड खराब हो गया अभी, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि नहीं, बुरा इस बात का लग रहा है कि इतना दूर से आए हैं, हाँ वो तो बोल रहा है, लिटरली बता रहे हैं आपको, तो आप अभी तक देख चुके होंगे, मतलब रास्ता कुछ नहीं दिख रहा था, अंदर कुछ नहीं था, कुछ नहीं, और उसमें गाड़ी चला के आना, एंड देन ऐसा रिजल्ट पाना, हार्ट ब्रेकिंग। हुंडरू फॉल का दर्शन करना होगा, एक्चुअली ये टॉप है आपका हुंडरू फॉल का, यहीं का जो पानी रहता है वो नीचे गिरता है, एंड देन अगर सब कुछ सही रहता तो एक अच्छा व्यू देखने को मिलता, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो हो नहीं रहा है, तो बारिश नहीं, ये जो पानी है, ये पानी है आपका जाता है इस और ऐसे होते हुए पानी फिर आपका नीचे जाता है। सो विथ हेवी हार्ट हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ लोग मिले थे जो कुछ इलीगल वे बोल रहे थे, बट आई थिंक हम लोग को सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने चाहता कि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो गलत तरीके से इंस्पायर होकर आ रहे यहाँ पे घूमे, टूरिस्ट प्लेस है भाई, सपोर्ट करना चाहिए झारखंड टूरिज्म को, सपोर्ट करना चाहिए, सही तरीके से घूमना चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोग अभी रहन दे रहे हैं, है ना, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, नहीं तो अपने बैरागी में आएंगे एंड फिर आराम से घूमेंगे, बट इलीगल वे को वी डोंट सपोर्ट, चलो।
चलते नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। गेटल सूद, गेटल सूद एक वाटर डैम है जो कि अभी रांची में ही पड़ता है। अब वैसा बात है, रांची टूर कर रहे तो रांची में ही होगा। सो आइए थोड़ा देखते हैं गेटल सूद का नज़ारा। एंड अगर आप लोग भी आएँ कभी यहाँ पे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स सी द सम अच्छा लव यू। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम थोड़ा नीचे गए थे डैम को करीब से देखने के लिए। यहाँ इतनी स्ट्रीप थी, इतना छोटा छोटा चढ़ा चढ़ा बैंड बज चुका है। आई थिंक दोपहर को कुछ 2:30 बज रहा, भूख भी लग गया, तो लेट्स हैव सम लंच फर्स्ट एंड देन विल डिसाइड कि आज और घूमना है या फिर जस्ट स्लो डाउन करना है। अपने लिए अब थोड़ा सा धूप दिखा है एंड जाने से पहले डैम से वो जो फॉग था वो भी हट चुका है। सो फार सो वेरी गुड। तो फिलहाल अपना लंच आ चुका है, भूखा सकल इंसान खा ले भाई। चलो ऐसे हाईवे के साइड में गर्मा गर्म खाना खाने का मजा ही अलग है। क्यों है, टेस्ट भी अच्छा है यार। टेस्ट भी अच्छा है। नान रोटी, बटर नान है ना? हाँ, बटर नान। बटर नान और चिकन दो, चिकन दो प्याला खा के मिलता है। तो सफ़र जहाँ पे शुरू किए थे, आज डे टू का भी सफ़र वहीं पे अंत हो रहा है। ठीक है, तो राउंड ऑफ कुल मिला के आज 150-150 किलोमीटर से चला लिए हम लोग। भाई साहब, अरे हम चला रहे ना अभी, क्या गजब है। मतलब 1 किलोमीटर से चलाए, आखिर चलाए तो हम में आ गए। हेलो मत बात, खुद बोलिए खुद। सो फाइनली आज 150 किलोमीटर चलाने के बाद क्या देखने मिला, नहीं मिला तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे, बट चला के बहुत मजा आया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं घूमने आया था। राइडिंग ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं कि मुझे राइड करने को मिलेगा, और एक राइडर को राइडिंग करने मिल जाए इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकता है अभी ऐसा मौसम में। भाई साहब मजा आ गया, बहुत मजा आया। सो डे टू साइनिंग ऑफ हियर एंड कल कंटिन्यू करते अभी रांची में है हम लोग। और रांची का एक प्रॉब्लम जो मुझे लगा वो है कि मतलब यहाँ पे ना आपका हर एक चीज घूमने का जो भी लोकेशन है, चाहे वो मंदिर हो या फिर कोई फॉल हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ मतलब लाइक एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि सेम लेन में पड़ जा रहा है तो देखते चले जाएंगे। नो मैन, लाइक एवरीथिंग बहुत दूर है, सब कोई 100 किलोमीटर का विद इन रेंज में है। दैट्स वाई यहाँ रांची में थोड़ा आओ तो टाइम लेके आओ अगर घूमने का अच्छा है तो, अदरवाइज मैं ब्लॉग से आप तो घूम ही रहे होगे। तो ना फाइनली डे टू साइनिंग ऑफ हियर एंड डे थ्री कल देखते कल क्या क्या करेंगे, विल कंटिन्यू। लुक थोड़ा सा चंपू जैसा लग रहा है बट जो है भाई रॉ है, कोई दिखावा नहीं। पता है बर्फ पड़ने वाली।